दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे स्कीमी 1117 की अनबॉक्सिंग, बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में। मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों तो ये है स्कीमी का बॉक्स, यहाँ पे ऊपर ब्रांडिंग दी हुई है स्कीमी की, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स पे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट स्कीमी, यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है स्कीमी का। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिखेगा जिसपे क्यूसी पास, क्वालिटी कंट्रोल पास लिखा हुआ है। उसके अलावा इसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑथेंटिक का एक स्टिकर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे जो कंटेंट्स है इस बॉक्स के, साथ ही साथ बार कोड, इसका प्राइस, इसका मॉडल नंबर, इसका डेट ऑफ इंपोर्ट, ये सब दिया हुआ है। पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स को खोलने से आपको यहाँ पे ऊपर एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, ये स्कीमी का वारंटी कार्ड है, स्कीमी इंडिया का वारंटी कार्ड है। यहाँ पे पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको वारंटी कैसे एक्सेस करनी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। जो असिस्टेंस नंबर है, असिस्टेंस ईमेल है, वो भी दिया हुआ है इधर। 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है आपको डेट ऑफ इनवॉइस से, तो आपको बिल भी संभाल के रखना है इसके साथ। इसके अलावा बॉक्स में ये प्लास्टिक में ये वॉच आ जाती है, और साथ ही साथ ये ऑपरेशनल गाइड, एक यूज़र गाइड आ जाता है, ये एक यूज़र गाइड आ जाती है। ये इंग्लिश में दी हुई है, काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी छोटी सी है क्योंकि इस वॉच में ज़्यादा फीचर्स तो है नहीं, लेकिन जो जो भी फीचर्स हैं वो सब डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पिक्चर्स के साथ, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये यूज़र गाइड। इसके अलावा ये वॉच है जो एक प्लास्टिक में आती है, इसे हम निकाल देते हैं। यहाँ पे स्कीमी का टैग आ जाता है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बात कर लेते हैं इस घड़ी के बारे में, तो अगर इसके लुक्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सुंदर है दिखने में। रबरिश प्लास्टिक बेल्ट दिया हुआ है जो मेरे हिसाब से काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, हर कलाई में प्रॉपरली फिट हो जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से ये डायल में फिटेड है। मेरे हिसाब से ये निकलेगा नहीं ईजिली। इसके साथ जो ग्लास दिया हुआ है ये मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे स्क्रैचेस होने के चांसेस हैं, तो आपको ये संभाल के पहननी है, संभाल के यूज़ करनी है। इसके अलावा 4 बटन्स दिए हुए हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस घड़ी के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले है टाइम का, साथ ही साथ इसमें स्टॉपवॉच है, इसमें अलार्म क्लॉक है, इसमें कैलेंडर फीचर दिया हुआ है और काफ़ी बढ़िया लाइटिंग दी हुई है। आप देख लेते हैं इसकी लाइटिंग, मेरे हिसाब से इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा लेकिन जो भी दिख रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो दूसरे बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मोड का बटन दिया हुआ है नीचे, जिससे आप अपना डिजिटल टाइम सेट कर सकते हैं, आप दूसरे मोड्स में जा सकते हैं, आप अलार्म क्लॉक मोड में जा सकते हैं, आप टाइमर मोड में जा सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये स्टार्ट और रीसेट बटन है ये आपको टाइमर यूज़ करने में काम में आता है, और डिजिटल डिस्प्ले का जो टाइम है वो एडजस्ट करने में काम में आएगा। इसके अलावा जो ये रोलर बटन है ये आपको एनालॉग डिस्प्ले का जो टाइम है उसे सेट करने में काम में आता है। तो काफ़ी बढ़िया वॉच है, काफ़ी डिसेंट फीचर्स है। एमआरपी के बारे में बात करें तो 2000 रुपीज़ इसकी एमआरपी है, लेकिन अमेजोन में ये करीबन 500 रुपये में मिलती है, और 500 रुपये में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। 500 रुपये में ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वॉच है। अब ये वॉच कितना चलेगी, कितना कितने देर तक आप इसे यूज़ कर सकोगे वो तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन 500 रुपये में जो ये फीचर्स देती है, जो ये लुक्स देती है, काफी बढ़िया है, फुल वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। दोस्तों तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत ही अनोखे वीडियो हर बार हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।